बताइए बताइए। 8 घंटा हो गया ये चर्चा, एक क्लैरिफिकेशन थर्ड रीडिंग में मैं पूछना चाहता हूँ। दो राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जो रिजर्वेशन वीमेन के लिए होगा वो स्टेट स्पेसिफिक होगा। ये जो बिल हम आज पारित कर रहे हैं वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरा देश भर में 1/3 रिजर्वेशन होगी हमारे लोकसभा में। तो इसमें क्या होगा, मेरा ये संशय है, उसको अगर दूर कर सकते हैं, इसको अगर दूर कर सकते हैं हमारे मंत्री महोदय तो आसान होगा। संशय ये है सर कि कुछ स्टेट में ज्यादा महिलाएं चुन के आएंगे या रिजर्व रहेगी और कुछ स्टेट में ये कम होगा, तो इसके लिए कुछ प्रावधान आप करेंगे या डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर ये छोड़ देंगे, इसके बारे में कुछ स्पष्टता इस विधेयक में नहीं है। भर्तरी मेहता साहब ने जो विषय उठाया वो आर्टिकल 332A, जिसमें हम 332 में जो 332A जोड़ रहे हैं रिजर्वेशन सीट इन असेंबलीज, इसमें मेरा यह कहना है भर्तरी साहब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम 33% आरक्षण कर रहे हैं, सीट जितनी होगी, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं 200 तो 66 हो जाएगी महिलाओं के लिए, अगर कभी 300 हुई तो 99 हो जाएगी। तो ये हम ये सबके लिए, गृहमंत्री जी मेरी समझ है ये काम डिलिमिटेशन कमीशन ही करेगा, सीटें कौन राज्य में कितनी होगी और कौन सी होगी ये सारा काम डिलिमिटेशन करेगा, इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन को दिया गया है जिससे निष्पक्ष रूप से क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत सार्वजनिक सुनवाई के तहत ये चीजों को तय किया जाए, बिन राजकीय रूप से होगा और पारदर्शी तरीके से।